चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो दो इम्पॉर्टेंट नाम जो अपने को अक्सर एलिमिनेशन रिएक्शन में या फिर एडिशन रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। एक नाम होता है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। कई बार हमसे पूछता है कि ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का। और एक होता है अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन में जो E1 और E2 मैकेनिज्म से चलते हैं, वहाँ पर कभी कभी हमसे पूछेगा कि ये रिएक्शन क्या हॉफमैन एलिमिनेशन से मिला है या फिर सेटजेफ एलिमिनेशन से मिला है। तो ये चीज़ों के बारे में फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्यारे से कॉन्सेप्ट में शुरू करते हैं, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्या चीज़ है। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट एडिशन रिएक्शंस में देखते हैं, जहां पर सिंपल कोई HX टाइप का मॉलिक्यूल आकर के कहीं पर ऐड हो जाए। ध्यान रखिए कैसे, जहां पर ज़्यादा पहले से CH हैं अगर वहीं पर जाकर के H लग जाए, जहां पर कम CH हैं वहां पर जाकर के दूसरा पार्ट जिसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, जहां ज़्यादा CH है वहीं पर जाकर के H लग जाए, मोर नंबर ऑफ CH जहाँ पर है वहीं पर और CH लग जाए, जहाँ पर कम CH है वहाँ पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल का पार्ट लग जाए, तो यहां से मिलकर के जो बना हुआ प्रोडक्ट आया है इसको बोल देते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब जहां ज्यादा CH है वहीं पर H लग जाए, मतलब अमीर को अमीर बना दे, गरीब को गरीब बना दे, ऐसे टाइप का कुछ है तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आ जाता है। जैसे अपने पास एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें अपने पास जैसे ये रिएक्शन है तो इसमें हमें पता है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे कराते हैं, यहां प्लस यहां माइनस, तो हम जहां पर ज्यादा CH पहले से दो है वहीं पर एक H और ला के लगा दोगे, और जहां पर कम CH है वहां पे BR ला के लगा दोगे, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोलेंगे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। यही मेजर प्रोडक्ट भी है, तो कभी कभी बोल देगा मेजर प्रोडक्ट इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोलेंगे। हाँ, अगर इसका उल्टा कर देते हम तो, मतलब अगर हम यहां H नहीं लगाते, H यहां लगा देते मिडिल में, तो बोलते अगर हम H यहां लगा देते तो ये गलत हो जाता, गलत हो जाता है, या ऐसे बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट है, इसके बनने के चांस बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। ज़्यादा CH पे H नहीं लगाया तुमने, ज़्यादा CH पे BR ला के लगा दिया, उल्टा मार्कोनिकॉफ का उल्टा कर दें तो बन जाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तो हमें पता है ना, वो मिल जाएगा CH3 CHBr CH3, वो हो जाएगा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ये जो बना होगा इसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। जैसे ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पर क्या बनेगा, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, तो बोलेंगे यहाँ पर दोनों पे CH सेम है। जब CH सेम होगा तो हम डिसाइड कैसे करेंगे ज़्यादा पे क्या लगा कम पे क्या लगा, इसीलिए बोलेंगे यहाँ पे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। जब CH का नंबर कम ज़्यादा हो तब हम डिसाइड कर सकते हैं मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ पे तो तुम ये तो सिमेट्रिकल है, किसी भी तरफ जा करके किसी को लगा दो एक ही तरीके का प्रोडक्ट आएगा। CH3 यहाँ पर तुम मन करे CL लगा दो, यहाँ पर तुमने H+ लगा दिए, अब H+ दोनों के पास सेम नंबर ऑफ CH बॉन्ड है तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का नाम नहीं आएगा। थर्ड रिएक्शन का एग्जांपल देखो, यहाँ पे NO2 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसकी वजह से यहाँ आएगा माइनस यहाँ आएगा प्लस। अब ध्यान से देखना, जो वहाँ से अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल H+ है वो कहाँ जाके लगेगा, वो लगेगा यहाँ जहाँ पे आया है माइनस वहीं पर जाके H+ लगेगा। अब अगर H+ यहाँ लगेगा तो देख रहे हो जहाँ कम CH है वहाँ H जाके लग रहा है, और ज़्यादा जहाँ पर CH है वहाँ पर BR जाके लगेगा, तो ये उल्टा हो गया, ज़्यादा CH पे CH आना चाहिए था लेकिन उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोल देंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बना हुआ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आकर के लग जाएंगे H और यहाँ टर्मिनल पे जाके लग जाएगा BR। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। खींचने वाले ग्रुप अक्सर एंटी मार्कोनिकॉफ करा देंगे, जहाँ पे ज़्यादा CH है वहाँ पर H नहीं लग पाया इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉफ। जैसे ये एक और होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का एग्जाम्पल, HBr परऑक्साइड। ये रिएक्शन एक्चुअली में रेडिकल्स मैकेनिज्म के थ्रू चलती हैं, और जहां पर पाई बॉन्ड शिफ्टिंग जैसे होता है तो एक रेडिकल यहां बनेगा एक रेडिकल यहां बनेगा, और अक्सर जो जो BR रेडिकल होते हैं वो यहां लग जाते हैं और जो बाद में H रेडिकल है वो यहां जाके लगते हैं। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है, देखो जहां पर ज़्यादा CH है वहाँ पे H नहीं लग पाता, इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, परऑक्साइड इफेक्ट, या इसी का नाम देते हैं खरास इफेक्ट। पाई बॉन्ड जिधर शिफ्ट करते हैं वहीं पर जाकर के BR लग जाते हैं, और जहां पर आते हैं प्लस, मतलब अगर वैसे तो ये रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, BR रेडिकल आकर के लग जाते हैं और H यहां पर। ये एंटी खरास इफेक्ट में अक्सर प्रोडक्ट जो आते हैं वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आते हैं, मतलब जहां पर ज़्यादा CH है वहां पर हाइलोजन लग गया, जहां पर कम CH है वहां पर हाइड्रोजन लग गया। हाइड्रोजन लगना कहाँ पे चाहिए था, ज़्यादा H पे और H आ जाना चाहिए था, उल्टा हो जाता है, इसी को बोलते हैं खरास इफेक्ट। ओनली वैलिड फॉर HBr, पता होना चाहिए केवल BR के लिए ही लगते हैं और किसी के लिए परऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगता। और एक है अपने पास, जब कभी लोन पेयर का क्लाउड हो, अभी अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएंगे तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे दूसरे डायरेक्शन में, इसकी वजह से यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस। अब देखो H+ कहाँ लगेगा, टर्मिनल पे,
और यहाँ पे कौन लगेगा? बी आर। अब ये जो प्रोडक्ट बना के देगा वो कैसा होगा? बोलेंगे मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, ज्यादा सी एच पे एच लग जाना, कम सी एच पे बी आर का लग जाना। कोई भी और आ सकता है, माइनस में जरूरी नहीं कि हमेशा बी आर हो, वो सी एल भी बन सकता है। तो ये बन गया हमारे पास मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ क्लियर हो गया होगा। जब सेम सेम सी एच होगा तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, जब सी एच का नंबर अलग अलग होगा तो या तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा या फिर एंटी मार्कोनिक ऑफ मिलेगा। जब ज्यादा सी एच पे एच लगा देंगे तो मार्कोनी, और कम सी एच पे एच लगा देंगे तो एंटी मार्कोनी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन में मिलने वाले दो नाम। एलिमिनेशन जब होता है तो एल्कीन बनती है, और उसी एल्कीन में कभी हम बोलेंगे सेडजेफ या फिर जेडसेफ, और या फिर कभी बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। ये क्या चीज है? जैसे ये एक मैंने E2 मैकेनिज्म का एग्जांपल ले रखा है कि हमारे पास अगर एल्काइल हैलाइड हो और हम उनको बेस के साथ हीट कर दें तो इनके रिस्पेक्ट में, इस हैलोजन के रिस्पेक्ट में, ये अल्फा या बीटा, अल्फा से हैलोजन निकल जाए और बीटा से हाइड्रोजन। तो अक्सर जो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब वो एल्कीन जो मेजर प्रोडक्ट हो, जिस जो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, तो वहां से H निकल जाता है, यहां से BR, और बेस उस HBr से रिएक्शन कर लेता है और हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाता है एल्कीन। क्या मिल जाता है? एल्कीन। अक्सर मेजर प्रोडक्ट ये बनता है जहां पर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है वो एल्कीन मेजर हो जाता है। और इसके पास देखो HC हाइपर कंजुगेशन, डबली बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी कार्बन के पास CH बॉन्ड 6। एक और पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकता था कि अगर इस अल्फा से हाइड्रोजन निकले और इस बीटा से हाइड्रोजन निकल जाए तो पॉसिबल प्रोडक्ट हो जाता है, यहां से H निकल जाएगा तो CH2 बचेगा और यहां से BR निकल जाएगा तो CH। ऐसे ये वो एल्कीन बन रही है जो कम सब्स्टिट्यूटेड है, एक ही तरफ सब्स्टिट्यूशन लगा है, और वो ऐसी एल्कीन बनी जहां हाईली सब्स्टिट्यूशन है इधर भी और उधर भी। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ, या इसी को नाम देते हैं ये जेडसेफ भी बोल देते हैं लोग उल्टा करके, मतलब जहां पर ज्यादा स्टेबल एल्कीन प्रोडक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं जेडसेफ या फिर सेटजेफ प्रोडक्ट। मतलब जब भी कभी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ना, तो जो एल्कीन मेजर है, जो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर ज्यादा स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अगर ये मेजर होता, ऐसे ये माइनर प्रोडक्ट होते हैं, ये माइनर जो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल एल्कीन को नाम देते हैं हॉफ। याद बड़े आराम से रहेगा कि हॉफ मतलब कम जैसा ना, तो हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब होता है कम स्टेबल एल्कीन अगर मेजर प्रोडक्ट हो जाए तो वो बोलेंगे इसको बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। अभी ये माइनर है और मेजर प्रोडक्ट हमारा बनता है जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। इसी में अगर हम एग्जाम्पल ले लें एक और, जैसे ये एल्कोहलिक के वैसे भी बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाए, यहां से हाइड्रोजन, तो एक बार एल्कीन बन जाएगा ये। अब ध्यान से देखना, ये एल्कीन क्या ज्यादा सब्स्टिट्यूशन में है? नहीं। और एक बार यहां से हैलोजन और यहां से हाइड्रोजन निकल जाए तो एक बार एल्कीन हमारे पास बन सकता है ये। अब देख लो इसके पास सब्स्टिट्यूशन कितना है, बहुत सारा। यहां पर CH3 मिल जाएगा, इस कार्बन से 2H मिल जाएंगे, यहां से 2H मिल जाएंगे, इसके पास HC हाइपर कंजुगेशन बहुत सारा होगा। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, अक्सर एलिमिनेशन रिएक्शन में हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होता है, जिसको क्या नाम देते हैं? सेटजेफ, या फिर इसी को क्या नाम देते हैं? ZF। उसके पास देखो वो कम स्टेबल एल्कीन है, दो ही तरफ ब्रांचिंग तुमने लगा रखा है, मतलब कम सब्स्टिट्यूटेड है, उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। अक्सर मेजर प्रोडक्ट कौन होते हैं? ZF प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शन। कुछ कुछ स्पेशल तरीके की एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है जहां पर कभी कभी हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है। ये भी E2 मैकेनिज्म का एग्जाम्पल होता है, एलिमिनेशन यहां पर भी होता है, लेकिन अक्सर यहां पर हैलोजन तो निकलता है अल्फा से, इस वाले कार्बन से हैलोजन, लेकिन जो यहाँ मेजर प्रोडक्ट आता है ना, ये कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि फ्लोरीन निकलना नहीं चाहते। अक्सर जब ये निकलते हैं तो इनको निकालने के लिए कार्बेनाइन बन जाता है, और पता होगा टर्मिनल पे कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये इस बीटा से एच निकलता है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट आता है ना, वो ये वाला CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर हम अंदर से यहाँ से निकालते तो हमारे पास बनता है ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को बोलेंगे सेटजेफ, और कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, और कौन मेजर होता है इन केस ऑफ फ्लोरीन? हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। ये अगर हमें याद रह जाएगा तो अच्छा रहेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है जब हम एलिमिनेशन कराते हैं एल्काइल फ्लोराइड में। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कुछ डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हो सकती है, जैसे ये इसके पास OH है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा से OH निकल जाए, बीटा से H निकल जाए, तो हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। ये E1 रिएक्शन का एग्जांपल है, एलिमिनेशन अगर हो जाए E1 मैकेनिज्म से। अब देखो यहाँ पर हाईली सब्स्टिट्यूटेड, अक्सर एलिमिनेशन में
हॉफमैन जो सेट से प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं। देख लो इसके पास कितने सारे एच सी हाइपर कंजुगेशन कितने हो जाएंगे भाई, अपने पास 9 एच सी हाइपर कंजुगेशन आ जाएंगे इधर, 3, 3 और 3, 9। एक और बन सकता था कि तुम यहां से OH निकालते और इस बीटा से H निकाल लेते तो हमारे पास आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड C और ऊपर CH3 और इधर आ जाता हमारे पास CH2 CH3, लेकिन यहां पे केवल दो तरफ ही सब्सटीट्यूशन मिलता, तो इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट जो कि मेजर नहीं होता। हॉफमैन केवल और केवल फ्लोराइड में या फिर एक होता है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, वहां पे मिलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्किन जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं उनको बोलते हैं ZCF या फिर ZCF प्रोडक्ट, और कम स्टेबल एल्कीन अगर हमारे पास मिलता है तो उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट केवल एल्काइल फ्लोराइड में मेजर होते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन में अक्सर ZCF प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा बड़े आराम से कि क्या होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में हॉफमैन ZCF और क्या होता है एडिशन रिएक्शन में कौन से दो नाम, वो जो दो नाम अपने को मिले मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में आकर के बोल सकते हैं, कोई पे डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय।